होशंगाबाद के जिले में 19 अगस्त को एक पुजारी का शव मिला था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा 8 दिन के अंदर कर दिया है। आपको बता दें कि एक युवक चोरी करने के इरादे से मंदिर में घुसा था। पुजारी की नींद खुल जाने के कारण चोर ने उसकी हत्या कर दी और वहीं मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात के भोगनीपुर के साहबापुर में एक निर्माणधीन मंदिर में रहने वाले 70 वर्षीय पुजारी का शव निर्माणधीन मंदिर के बरामदे में मिला था, जिसकी जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं पूरी घटना के खुलासे के लिए जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को मुखबिर से साहबापुर में रहने वाले धीरेंद्र सिंह उर्फ धीरू के पुजारी की हत्या में शामिल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने धीरेंद्र सिंह उर्फ धीरू को हिरासत में लेकर कड़ी कार्यवाही से पूछताछ की। वहीं धीरेंद्र ने बताया कि निर्माणधीन मंदिर में चोरी के इरादे से घुस गया था, लेकिन इस दौरान पुजारी की नींद खुल गई और वह विरोध करते हुए शोर मचाने लगे। तब उसने घबराकर पुजारी का गला दबाते हुए पास पड़ी हुई लोहे की सरिया से वार कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर मैं फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।